सोशल मीडिया के बढ़ते युग और अधिकारियों के सख्त लहजों का भी पुलिस के कर्मचारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। कोतवाली के एक मुंशी का घूस लेते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पूरी पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। वायरल वीडियो कोतवाली के मुंशी द्वारा दीपावली के पटाखे के लाइसेंस प्रक्रिया में लगने वाली रिपोर्ट के लिए घूस लेने का बताया गया है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने तत्काल जाँच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मामला हरदोई की शहर कोतवाली का है। दीपावली के त्योहार पर शहर में पटाखों की दुकान का सजना शुरू हो गया है, जिसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में शहर कोतवाली में दुकानों की लाइसेंस के लिए लोगों ने जुगाड़ लगाया तो एक मुंशी की लॉटरी लग गई और उसने वसूली शुरू कर दी। इसी वसूली को लेकर कोतवाली के मुंशी का घूस लेते हुए वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल होने के बाद विभाग में खलबली मच गई है। आरोपी सिपाही शहर कोतवाली में तैनात है, उसका नाम मुंशी मेवालाल बताया जाता है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने पूरे वीडियो की जांच के बाद तात्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है जो कोतवाली शहर के किसी पुलिसकर्मी का बताया जा रहा है। इस संबंध में जो वीडियो है उसकी जांच कराई जा रही है और 24 घंटे के अंदर जांच करा के तत्काल इस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल की जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो भी अमल में। उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबरें अब ज्यादा आने लगी है और नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।